कोरोना की तीसरी लहर में बीमारियों से लड़ने में मदद करने वाले औषधीय पौधों की मांग बढ़ गई है। इसकी वजह से नर्सरियों में ऐसे पौधों का टोटा शुरू हो गया है। लोग ज्यादा पैसे देकर इन्हें बाहर से मंगवा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान अलग अलग औषधीय पौधे घर में लगाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे इन पौधों की डिमांड भी बढ़ गई है। बीते डेढ़ साल में सबसे ज्यादा गिलोय की डिमांड बढ़ी है। गिलोय के हजारों पौधे अलग अलग नर्सरी से बेचे गए हैं। वनोपज संघ भोपाल की नर्सरी से साल भर में 2500 से ज्यादा पौधे बेचे गए हैं। गिलोय के अलावा तुलसी और काल मेघ की भी खूब बिक्री हो रही है। नर्सरी संचालकों का कहना है कि गिलोय की और पौध तैयार की जा रही है, दोबारा तैयार होने तक शॉर्टेज रहेगी। इसी तरह 1200 से ज्यादा काल मेघ पौधों की बिक्री हुई है। जानकारों की माने तो गिलोय से डायबिटीज पर भी नियंत्रण रहता है। गिलोय में एंटीवायरल तत्व होने का दावा किया जाता है। गिलोय का रस ब्लड शुगर को कम करता है। इसके अलावा पेट के रोगों से निजात भी दिलाता है। एनीमिया, पीलिया, खून की कमी, गठिया और अस्थमा के लिए गिलोय बेहद कारगर माना जाता है। इसे गुडुची भी कहते हैं। नर्सरी संचालक का कहना है कि गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर के बाद इसकी बिक्री में अचानक से बढ़ोतरी हुई। वहीं काल मेघ एक औषधीय पौधा है जो तेज बुखार में काम आता है। मलेरिया, टाइफाइड के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ये खून साफ करता है, इसलिए त्वचा रोग और कुष्ठ रोग के इलाज में भी ये काफी मददगार है। इसके अलावा नीम, अश्वगंधा और जंगली हल्दी जैसे कई पौधे हैं जिनकी डिमांड बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।